लखीमपुर खीरी के निघासान थाना क्षेत्र में कल शाम एक खेत में दो दलित नाबालिग किशोरियों सगी बहनों के शव पेड़ में लटकते मिले। सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटू समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, रेप, हत्या समेत गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम छोटू, जुनैद, सुहेल, अरिफ, करीमुद्दीन, हाफिज रहमान है। ये सभी आपस में दोस्त है। जुनैद को आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसके पैर में पुलिस की गोली लगी है। बाकी सभी आरोपियों को देर रात अलग अलग स्थानों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के अनुसार दुष्कर्म के बाद घटना को कुल छह लोगों ने अंजाम दिया है। आरोपी बहला फुसला कर दोनों बहनों को खेतों में लेकर गए थे। नामजद छोटू सहित सभी छह आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अभियुक्त जुनैद की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है। जुनैद के पैर में गोली लगी है। सभी पाँच अभियुक्त लालपुर गांव के रहने वाले हैं। आरोपी पीड़ित परिवार से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। इस मामले में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने जांच के लिए आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह को रात में ही लखीमपुर भेजा था। निघासान थाना इलाके के तामोलीन पुरवा गांव में दो सगी बहनों के शव शाम पेड़ पर लटकते मिले। मृतक लड़कियों की माँ ने बताया कि बड़ी बेटी 17 और छोटी बेटी 15 साल की थी। दोनों घर के बाहर बैठी हुई थी। इस बीच जब वह घर के अंदर गई तभी बाइक सवार तीन युवक पहुंच गए। उन तीनों में से दो लड़कों ने बेटियों को घसीटकर बाइक पर बैठा लिया और फरार हो गए। उसके बाद दोनों बेटियों के शव पेड़ पर लटकते मिले। मृतक लड़कियों की माँ ने बताया कि घटना में शामिल आरोपी पड़ोसी गांव लालपुर में रहने वाला है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने रात में ही निघासान चौक को जाम कर दिया, जिसके बाद एसपी संजीव सुमन भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। आक्रोशित भीड़ को उन्होंने कह दिया, नेतागिरी मत करो, जिसके बाद लोग और भड़क उठे। इस दौरान लोगों से उनकी बहसबाजी हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नहीं हो सकता है कि आप नियम कानून भी छेड़ देंगे पूरा और उसके बाद अब सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा, मैं आपके पुलिस होगी, आप ग्राम प्रधान नहीं सर, कहता हूँ आपका तरीका है तो सबके ऊपर धर्म मुकदमा लिख दीजिए, सबके ऊपर मैं सही बात बोल रहा हूँ। नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे, कौन जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो, मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी आपका बैल नारे ले, किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग सही है, पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। रोड जाम करना गलत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी पब्लिक है मेरे लिए, जितने लोग चल रहे हैं रोड पे वो भी पब्लिक है मेरे लिए। मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं खराब कर दूंगा, आपका जो भी चाहिए। नंदकिशोर है, नंदकिशोर पागल हो क्या? हाँ, लखीमपुर की सभी घटना जो हुई उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्या प्रगति? 14 सितंबर के अपराह्न में ये सूचना निघासान थाना क्षेत्र पर ये प्राप्त हुई कि वहाँ दो बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया, सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था, तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है, शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है, जो कि अपने रीति रिवाज से इस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। महिला और महिला संबंधी अपराध के प्रति जो शासन की नीति है उसके तहत इस घटना को त्वरित गति से अनावरण करने के निर्देश शासन के द्वारा प्राप्त हुए थे। मेरी सबसे अपील है कि इस संबंध में महिला संबंधी अपराधों के प्रति सभी लोग अपने पीड़िता को, अपनी माँ, अपनी बहन,
अपने बच्चा समझ के पूरी संवेदनशीलता दिखाएं तथा हमेशा विक्टिम और ये विक्टिम की फैमिली का जो वर्षन है उसी को सर्वमान्य मानते हुए आगे की कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब, भारत।